हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पालक पनीर बनाने की रेसिपी। और मतलब बहुत ही आसान तरीका मैं इसमें आपको बताऊंगी, जो कि आपको बिल्कुल इसमें रेस्टोरेंट वाला मतलब टेस्ट मिलेगा। तो एक बार ट्राई करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पालक पनीर के लिए मैंने पालक ली है और इसे अच्छे से साफ करके अच्छे से खूब खुले पानी में मैंने इसे धो लिया है। और इसके बाद इसे हम बॉयल कर लेते हैं। और यहाँ पे पानी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, तो उसमें हम ये पालक जो है डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे हम 5 मिनट बॉईल करेंगे और इसमें थोड़ी सी डालेंगे चीनी। तो ये देखिए, थोड़ी सी मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ और थोड़ा सा इसमें डालूंगी नमक। इससे इसका जो कलर है बिल्कुल हरा का हरा ही रहेगा। तो बस ऐसे करके इसे अब हम 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं, जब तक ये बॉईल ना हो जाए। हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना है इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और बस ऐसा ये जो हमने बॉईल किया है इसको डायरेक्टली बस अब जल्दी से हम ठंडे पानी में डालेंगे। ऐसा करने से जो पालक का कलर होता है वो चेंज नहीं होता है। तो इसको हम ठंडे पानी में ऐसे डिप कर देते हैं। अब ये ठंडा हो चुका है तो इसे पीस लेते हैं हम। इसका पीस के एक पेस्ट बनाना हमें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसे पीस लिया है पालक को। तो बस इसका तड़का तैयार करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, गैस मैंने ऑन कर दी है, कढ़ाई रख दी है इस पर। और जो पालक पनीर हम बनाएंगे वो बनाएंगे हम सरसों के तेल में। तो हम इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे और इसे पहले अच्छे से हम पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, जब ऑयल हो जाए तो उसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा ये बटर। और फ्रेंड्स, अब इसमें हम डालेंगे 2 तेज़पत्ता, दालचीनी 2 टुकड़े उसके और जीरा। भुनने के बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज। अब इसमें हम डाल रहे हैं प्याज। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्याज जो है हो चुकी है और इसमें अब हम डाल देंगे लहसुन। इनको भी हम भून लेंगे अब। डाल देंगे ये अदरक, अदरक जो मैंने बारीक काट रखी थी, और ये हरी मिर्च। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्याज और लहसुन हमने डाले थे ये अच्छे से भुन गए हैं। तो अब इसमें हम जो पालक का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। और देखिए, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसमें मैं हल्दी डालूंगी। हल्दी बिल्कुल हल्की सी डालूंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा हल्दी डालेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब ये धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच नमक। और नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे अब। फ्रेंड्स, इसके बाद हम डालेंगे इसमें सबसे लास्ट में ये कसूरी मेथी और ये धनिया। तो
तो फ्रेंड्स इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसे ज़रूर डालिए। और इसके बाद इसको हमें 5 से 10 मिनट ढक के अच्छे से पकाना है। अब इसे ढक देते हैं, हम पहले अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने इसको, और इसके बाद हम इसे ढक देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इतने हमारा साग बन रहा है। तो हम ये जो पनीर है इसे काट लेते हैं। तो वैसे तो मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके पीसेस काट लेते हैं, और जो मैं इस पनीर को हर डायरेक्टली ऐसे डालूंगी, आप चाहें तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं। और मैंने पहले पनीर इसलिए नहीं डाला है क्योंकि जो पनीर है वो फिर टाइट हो जाता है, तो जब साग बन जाएगा उसके बाद ही मैं इसको उसमें डालूंगी। इस तरीके से इसको मैं काट लेती हूँ। ये देखिए, तो चलिए फ्रेंड्स इसको खोल के देख लेते हैं। और इसको और टेस्टी करने के लिए हम इसमें थोड़ी सी क्रीम डालते हैं, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। ये अमूल क्रीम यूज़ की है मैंने, वैसे आप घर की जो क्रीम है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको डालने के बाद इन्हें मिक्स कर लेंगे। फिर से इसे 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार खोल के देख लेते हैं कि हमारा जो साग है कैसा बन गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे तो ये सही लग रहा है बिल्कुल, तो मुझे इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं लग रही है। और अगर आपको लगे तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। और जैसे कि आपने देखा है कि मैंने इस साग में टमाटर बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, तो वैसे बिना टमाटर के भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, आप ट्राई ज़रूर करके देखिए। और अब हमारा ये साग तो बन चुका है, तो इसमें हम पनीर मिला देंगे। अब और इसको मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आ रहा है, और देखने में भी कितना टेस्टी लग रहा है। ये बस 2-3 मिनट ऐसे ही चला के गैस को बंद कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स इसे सर्व कर लेते हैं। और फ्रेंड्स इसकी गार्निशिंग करेंगे हम क्रीम से।